अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो जी सुबह सुबह आज हम अपना रूम डेकोरेट कर रहे थे और ये देखें ये कितना मेस पड़ा हुआ है रूम में। ठीक है, तो हम इसको सेटअप कर रहे हैं क्योंकि टॉयज बच्चों के यहीं पे हैं, खेलते बच्चे यहीं पे हैं। तो मैं इस रूम को ऐसे डेकोरेट करना चाहती हूँ कि जिसमें मेरे बच्चे भी कंफर्टेबल रहें, हम भी जो है वो इधर रहें दिन भर, और बाकी पूरा घर साफ रहे। खाना पीना भी हमने यहाँ पे छोटी सी सेटिंग बनाई होती है जिसमें हम जो है वो खाना पीना मतलब कि डिनर वगैरह करते हैं। जैसे ये छोटी सी टेबल में इसको डेकोरेट करूँगी। और चलें अब हम अपने काम पे लगते हैं। और साथ में मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, जो ये हैं सेटीज, इनके कवर बना रही हूँ मैं। साथ में फाइनल लुक आपको दिखाते हैं और फिर साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम मैंने कौन सी चीज़ किस तरह ऑर्गेनाइज़ की हुई है। उसके बाद मैं आ गई जी किचन में, क्योंकि मेरा आ गया था पार्सल, तो मैंने कहा चलो पार्सल ओपन कर देती हूँ और इसकी भी वीडियो बना देती हूँ। तो पार्सल में मैंने आज ही जो मंगवाया है वो मैंने अपनी कैट के लिए जो है उसका लिटिल बॉक्स मंगवाया था और साथ में उसका जो है स्पेशल मंगवाया था। तो वो मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी कि ये दराज से पार्सल मैंने मंगवाया था और दराज से काफ़ी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी आपको मिल जाती हैं। सेलर्स बहुत अच्छे होते हैं जो आपको एज इट इज़ जो चीज़ दिखाते हैं वो बेच देते हैं। तो मैं काफ़ी जो है दराज से सेटिस्फाई हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो दराज से जो है मंगवा लेती हूँ जो मुझे रीज़नेबल लगती हैं या जो मुझे अच्छी लगती हैं या जिनके लिए मैं बाज़ार में घूमना नहीं चाहती हूँ। तो ये इसका रिव्यू, ये बहुत अच्छा था, क्वालिटी में भी बहुत अच्छा था और ज़बरदस्त। मैं इसको रिकमेंड करूँगी, अगर आपने इसको बाय करना हो अपनी कैट के लिए तो आप ज़रूर करिएगा, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जी मैं आ गई किचन में, क्योंकि जब भी मैं कोई काम घर का ओपन करती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं साथ में खाना वगैरह कोई बना के सबसे पहले ही रख दूँ, उसके बाद मैं जो है जो भी काम करूँ तो मैं इजी हो जाती हूँ, कम से कम खाना बना हुआ होता है तो ये परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनीज़, और मैक्रोनीज़ की रेसिपी मैं आपको देती हूँ। ये बहुत यम्मी टेस्टी बनती है मैक्रोनीज़। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया और साथ में मैंने इसमें सिरका ऐड किया। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जितनी भी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसकी बुनाई कर ली और उसके बाद मैं वेजिटेबल ऐड करूँगी। कैरेट में सबसे पहले ऐड करती हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है और उसको थोड़ा सा मतलब कि एक या दो मिनट मैंने उसको पहले मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर बाकी वेजिटेबल डाल देती हूँ। तो इसमें एक कप जो है वो मैंने उसके लिए लिया है शिमला मिर्ची ले ली और एक जो है वो कप भर के मैंने बंद गोभी का ऐड कर दिया है इसमें। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अच्छा, अब ये जो मैंने चीज़ ऐड की है ना, ये है किनोर क्यूब। इसको मैंने पानी में हल करके मिक्स करके और फिर मैंने उसके बाद इसको ऐड कर दिया, इससे टेस्ट बहुत आला बन जाता है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च ऐड कर दी, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और इसका टेस्ट क्या कमाल निकलेगा इस चीज़ों से। वैसे नॉर्मली 2 चीज़ें नमक और ब्लैक पेपर डलता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी दड़ा मिर्च ऐड कर देती हूँ और साथ में 1 चम्मच जो है वो कर देती हूँ चिकन पाउडर। आपने किनोर क्यूब डाली है तो चिकन पाउडर आप बहुत कम डालेंगे, ठीक है, 1/2 टीस्पून आप चिकन पाउडर डाल दें। थोड़ा सा मिक्स करूँगी मैं इन वेजिटेबल को, मैंने बिल्कुल ही इन जितनी भी वेजिटेबल हैं उनको गिला नहीं लेना, मतलब सही गल जाएं ये ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल खड़ा खड़ा हो तो उसके बाद आपने मैक्रोनीज ऐड कर देनी है ताकि क्रंची क्रंची आपके, जब आप उसको खाएं तो क्रंच आपके मुँह में आने चाहिए मस्ट। तो ये आपकी मैक्रोनी परफेक्ट किस्म की जो है ना ये बनेगी और इतनी आपको टेस्टी और मज़ेदार लगेगी ना। उसके बाद फिर मैंने इसको बंद करके अच्छे तरीके से झाड़ झाड़ के मैंने इसको जो है ना वो मिक्स किया ताकि इसकी जितना भी इसमें मसाला डाला हुआ था वो मैक्रोनीज के साथ मिक्स हो जाए और परफेक्ट किस्म की मैक्रोनीज बन जाए। एंड में मैं इसमें ऑरेगानो डालूँगी और इससे भी जो मैक्रोनी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारी मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं जी अपना एक सेकंड डिश की तरफ और वो है जी हमारी हलवा बना रहे हैं आज हम। काफ़ी दिनों के बाद मौसम बहुत अच्छा है, इस्लामाबाद में बारिशें हो रही हैं और गर्मी में ठंड आ गई है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम मज़ेदार किस्म का जो है वो हलवा ट्राई करते हैं बनाने का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गुड़ ले लिया, उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया
और पानी ऐड करने के बाद जब गुड़ मिक्स हो रहा हो ना उसमें, तो साथ ही मैं ऑयल भी ऐड कर दूंगी और ये बहुत टेस्टी जो है वो हलवा बनता है। इसमें हमने चीनी ऐड नहीं करनी, इसमें हमने गुड़ ही ऐड करना है, क्योंकि चीनी के साथ जो हलवा बनता है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आप गुड़ के साथ ट्राई कीजिएगा, इसका बहुत एक अलग और मुनफरद टेस्ट आएगा आपको और बहुत पसंद आएगा। जिस तरह हम चीनी की चास बना लेते हैं, इसी तरह हमने गुड़ की भी चास बना ली और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैंने जो सूजी है उसको मैंने भिगो के छोड़ दिया है दूध में, अच्छे तरीके से उसको मैंने डिप करके भिगो दिया है और जो सूजी है वो फूल गई है। तो अब ये चास बिल्कुल रेडी हो रही, तो मैंने ये दूध वाली जो सूजी है वो इसमें ऐड कर दूँगी। और ये जो टाइम है इतना ज़बरदस्त होता है, इस टाइम पर इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है ना कि बंदे का दिल करता है कि हम बस जल्दी से बन जाए और हम इसको टेस्ट करें, कि बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही होती है। अच्छा, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है वो अच्छे तरीके से पका लूँगी। यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है उसको हाई कर लेना है ताकि मैं इसको जितना जल्दी खुश्क कर लूँगी उतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और ये देखें, ये घना होता जा रहा है, मतलब कि इसमें से जितना भी दूध है वो खुश्क होता जा रहा है और ये हलवे की शेप जो है वो इख्तियार करता जा रहा है और ऑयल हमारा अलग होता जा रहा है। तो ये अभी भी नहीं, इस पर काफ़ी टाइम लगता है, तकरीबन आधा घंटा इसको खाली घुमाने में आपको लगता है और बनाने में लगता है। जिस टाइम इसको फुल रेडी हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपने इसको जो है वो करना है। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ कि बीच का पार्ट मेरे से मिस हो गया या डिलीट हो गया, मुझे कोई समझ नहीं है। जहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें ऐड की हैं वो पार्ट बिल्कुल मिस हो गया, और या फिर मुझे प्ले करना याद ही नहीं रहा। तो फाइनल लुक ये थी इस हलवे की और ये बहुत टेस्टी हलवा बन रहा था। उसके बाद आपको जस्ट ड्राई फ्रूट डाल के उसको जो है वो करना होता है, मिक्स करना होता है। जैसे ही ऑयल अलग हो जाए और हलवा अलग हो जाए तो आपका हलवा रेडी है। तो ये हमारी मैक्रोनीस की लुक देख लें आप, फाइनल लुक, और ये हलवे की फाइनल लुक, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त बनी थी। आप मस्ट ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ और मेरी छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो आपको कैसी लगी। वैसे तो यहाँ यूट्यूब पे ज़बरदस्त किस्म के कुक भी बैठे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ छोटे मोटे कुक की भी जो है वो कुछ टिप्स और कुछ रेसिपीज़ बड़ी अच्छी हो जाती हैं। चलें जी, ये खाना रेडी करने के बाद फिर मैं चली गई, मैंने साथ में मशीन लगाई हुई थी और साथ में दूसरा जो रूम है उसको मैं क्लियर कर रही थी ताकि बिल्कुल जो है वो सफाई हो जाए, क्लीन हो जाए। तो मैं हर मंथ में ना मस्ट हर चीज़ को उठा के सफाई करती हूँ, बेड शीट को उतार के, मैट्रेस उठा के, बेड को साफ़ करके, और ये कारपेट वगैरह हर चीज़ को मैं क्लीन करती हूँ। और ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि सारा सामान ही बाहर निकाल के क्लीन कर देती हूँ। अगर आप इसको कहें कि मुझे इस चीज़ का खूबिया है, तो ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मुझे सफाई जो है वो उसमें बड़ा वो होता है कि एक मंथ में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप डीप क्लीनिंग करें और ऐसी क्लीनिंग के जो बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो कभी जब आप सालों में अपना बेड उठाएं और ड्रेसिंग उठाएं तो उसके नीचे से जो ढेर सारी गंदगी निकलती है ना, तो वो आपकी नहीं निकलेगी। आपको बहुत कम जो है वो सफाई करनी पड़ेगी या चेंजिंग करनी पड़ेगी या शिफ्ट होना पड़े। तो वैसे भी हम रेंट पे रहते हैं तो रेंट का यही इशू होता है कि आपको ज़्यादा सफाई मस्ट रखनी पड़ती है। आपको कहीं पे भी जाएं तो फिर आपको ये ना हो उनका घर भी आपको बहुत डीप तरीके से साफ़ सुथरा करना पड़े। जब आप किसी के घर में रेंट पे रहते हैं तो उसे भी अपना ही घर समझ के साफ़ सुथराई किया करें। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना रूम सारा ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने अभी पेंट करना है और अभी जो है वो सारी चीज़ें मैंने हटा ली और अब हम पेंट करना स्टार्ट करेंगे। ये जी, हमने कमरा पेंट कर लिया और इसमें हमने फ्लावर भी ऐड डाले। इनको डालना बहुत ही मुश्किल था और यहाँ पे जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेम थी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल आई हमें इसकी करते हुए, पेंट करते हुए। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया इसको। तो फिर ज़्यादा हमने फूल इसमें नहीं डाले क्योंकि ये पेंट उतर रहा था, तो इसलिए हमने इसमें फूल वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं किए। तो ये हमने जो है पूरे दो दिन में जो है वो हमने पेंट किया है और माशाल्लाह हमारा पेंट बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम जो है वो सेटिंग करने जाते हैं। कारपेट को हमने क्लीन कर दिया है अच्छे तरीके से, अब हम जो है वो इसकी सेटिंग करने, अब हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। ये है जी मेरे रूम का फाइनल लुक और मैंने इसको यूँ डेकोरेट किया था। और पेंट करने में एक दिन हमें पेंट करने में लग गया था, एक दिन हमने वेट किया उसका खुश्क होने का, और जब मैंने खुश्क किया तो तब तक मैंने ये सेटीज के जितने भी कवर हैं और वो सारे सिलाई कर लिए थे। इनको जो कवर है वो मैंने बना लिए थे।
और उसके बाद ये दो दिन में मेरा ये रूम सेट हो गया था और इसकी फाइनल लुक, और अब मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये मैंने इसलिए भी किया क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं वीडियोस ज़्यादा खाने की वीडियोस होती हैं मेरी, तो जिस तरह मैं खाना जो है वो टेबल पे लगाती हूँ तो मुझे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको जो है वो बैकग्राउंड उसका प्यारा आए और अच्छा मतलब कि लुक अच्छी आए। तो उसके लिए भी मेरा माइंड था कि मैंने रूम को जो है वो डेकोरेट करना है, तो ये भी हो गया एक। और उसके बाद जो है वो मतलब कि कोई मेहमान वगैरह आए तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट रूम खाने का स्पेशल जिस जहाँ पे सेटअप ही सिर्फ खाने का हो तो वो रखा। अच्छा ये बकेट जो है वो हम घूमने के लिए गए थे तो वापसी पे हमें रास्ते में एक अंकल मिल गए तो उनके पास ये बकेट थी तो मैं ले आई। फिर मैं सोचती रही मैं इसका क्या करूँ क्या करूँ, बाद में मुझे याद आया कि मैं इसमें क्यों ना फ्लावर ऐड करके इसको मैं रख दूँ, एक यूनिक सा जो है वो सिस्टम नज़र आएगा। उसके बाद मैंने सारी डीप क्लीनिंग करके सारा कुछ सफाई करके तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने चेंज करनी हैं तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सेट हो जाएगा। तो कोशिश है मेरी कि मैं जितना भी अपना बेस्ट दे सकूँ वो उतना मैं दूँ। तो ये यहाँ पे मैंने मिरर जो है वो लगाया है कि ये मिरर जो है वो जब भी मैं कोई ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ या मैं ड्रेस बनाती हूँ मैं आपको शो करवाना हो तो मैं इस मिरर में कर सकूँ, तो ये मिरर स्पेशल मैंने इसलिए लगाया। चलें जी इसी के साथ होता है जी आज का व्लॉग एंड और आज का दिन ख़त्म। तो इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे ये व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। और लास्ट में ये देख लीजिएगा ये मैंने खुद जो है वो फ्लावर्स के ऊपर सारी जो है वो लाइटिंग लगाई है और मुझे बताइएगा ये लाइटिंग कैसी लग रही है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।